पिछली क्लासेस में आपने जाना था कि परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल क्या होता है। अब जैसे ही क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की हमने बात की है, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इसके बारे में, क्वांटम संख्याओं के बारे में, कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। अच्छा जी, यदि हम क्वांटम संख्या की बात करें तो सर क्वांटम संख्याएं प्रदर्शित क्या करती हैं? सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न परमाणु संरचना में बच्चों को कहाँ पर होता है? क्वांटम संख्याओं में होता है। लेकिन हम यहाँ पे एक एक क्वांटम संख्याओं को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे लेकर के चलेंगे, ताकि आपको आने वाले टाइम में क्वांटम संख्याओं के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाए कि क्वांटम संख्या प्रदर्शित क्या करती है। अच्छा जी, मान लीजिए आपसे यदि मैं पूछता हूँ कि सर आप रहते कहाँ पर हैं, तो आप अपना एड्रेस कुछ इस तरह से बताएंगे कि सर हम यहाँ पर एशिया महाद्वीप में रहते हैं। सर एशिया महाद्वीप में कहाँ पर रहते हैं? सर इंडिया में रहते हैं। अच्छा जी, इंडिया में कहाँ पे रहते हैं? तो इंडिया में रहने के बाद में आप बताएंगे कि सर हम राजस्थान में रहते हैं। अब राजस्थान के बाद में आप बताएंगे कि सर आप कौन सी सिटी में रहते हैं, तो आप बोलेंगे सर हम इस वाली सिटी में रहते हैं, इस वाली सिटी में रहते हैं। फिर सिटी के बाद में हम क्या बताएंगे, वहाँ पर अपना जो एरिया होता है, इनके जो मोहल्ला होता है, वो वहाँ पर बताएंगे, कॉलोनी का नाम बताएंगे। तो आपने क्या किया यहाँ पर, धीरे धीरे आप क्या किए हो यहाँ पर, बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ पर पहुँचे। पहले देखो महाद्वीप, फिर उसके बाद में क्या आया वहाँ पर, देश आया। फिर उसके बाद में क्या आया, आपका राज्य आया, यानी कि वो स्टेट आया। फिर उसके बाद में क्या आया, सिटी का नाम आया। फिर उसके बाद में कॉलोनी, एरिया, फिर किसी भी मोहल्ले का नाम आ गया। अच्छा जी, अब आप एक बात देखो, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो परमाणु के अंदर कहीं तो होगा, क्या इतनी बात मानते हो? अब परमाणु के अंदर यदि कहीं पर वो है, तो सर उसका एड्रेस हम किस तरह से बताएं? तो जो चारों क्वांटम संख्याएँ हैं वो क्या बताती है हमें यहाँ पर, इस एड्रेस को ही यहाँ पर बताएगी कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस एक्चुअली एग्जैक्ट कहाँ पर हो सकता है। मतलब एग्जैक्ट तो हम पता नहीं कर सकते, लेकिन उसकी मोस्ट प्रोबेबल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे चार बातें आएगी, चार बातें ध्यान से समझना। पहली बात कौन सी, कोश। दूसरा होगा उपकोश, और तीसरा होगा भाई मेरे कौन सा, यहाँ पे अंदर जाएंगे तो कक्षक। चलो जी, सबसे पहले कौन आएगा, कोश आएगा। कोश के अंदर क्या होगा, उपकोश होगा, और उपकोश के अंदर कौन होगा भाई मेरे, यहाँ पे कक्षक होगा। सर अब ये बात तो थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, तो आप देखो यहाँ पे चार क्वांटम संख्या आपको दी हुई है। अच्छा जी, चार क्वांटम संख्या कौन कौन सी, तो आप बोलेंगे सर प्रमुख क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी कौन सी भाई मेरे, चक्रण क्वांटम संख्या। इनको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के छोटे लेटर यानी कि LN, LM और S से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बार इसको S की जगह पे हम M और यहाँ पे S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चारों क्वांटम संख्याओं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि प्रमुख क्वांटम संख्या क्या प्रदर्शित करेगी। अच्छा जी, आप सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखना, कोश, उपकोश, कक्षक। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे प्रमुख क्वांटम संख्या की, तो प्रमुख क्वांटम संख्या हमें बताएगी कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में उपस्थित है। द्विगंशी क्वांटम संख्या हमें बताएगी कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोश में उपस्थित है। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे चुंबकीय क्वांटम संख्या की, तो हमें बताएगी कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में उपस्थित है। कोश के अंदर कौन सा उपकोश, उपकोश के अंदर भी कौन सा कक्षक। अच्छा जी, पहले स्टार्ट करते हैं प्रमुख क्वांटम संख्या। तो आपको बताया कि प्रमुख क्वांटम संख्या को हम किससे यहाँ पे निरूपित करेंगे, तो आप बोलेंगे सर प्रमुख क्वांटम संख्या को किससे बताया जाएगा, एन से बताया जाएगा। अच्छा जी, प्रमुख क्वांटम संख्या हमें किस बारे में जानकारी देती है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु में कोश में, यानी कि किस कोश में किस कोश में होगा, और यहाँ पे उसकी ऊर्जा के बारे में भी हमें जानकारी देगा। अच्छा जी, सर इनको खोजने वाले, इस वाली क्वांटम संख्या को खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो आपने इससे पहले नाम सुना हुआ है, बोर। वैज्ञानिक बोर ने इस क्वांटम संख्या को खोजा था। ठीक है जी। सर एन के जो मान रहेंगे, क्योंकि एन कोई वैल्यू है, संख्या ही तो है, सर उसका मान मैं कहाँ से कहाँ तक रखूँ, तो आपको ये बात ध्यान होना चाहिए कि एन बराबर आप कहाँ से रख सकते हो, एक से लेकर के आप अनंत तक कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। क्या बोला मैंने, कि आप n बराबर एक से लेकर n बराबर अनंत तक कोई भी वैल्यू रख सकते हो। यदि हम बात करें यहाँ पे n बराबर एक दो तीन, जिस तरह से हम चलते हैं, कैसे n बराबर एक दो तीन, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से इनको एक और चीज़ से निरूपित किया जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है, KLMNOP, यानी कि n बराबर एक है तो वहाँ पर उसका मान क्या बोल सकते हैं हम, कि ये कौन सा कोश है, K कोश है। ठीक है, ये एक बताने का एक जरिया हो गया, एक तरीका हो गया। अच्छा जी, यदि हम बात करें सर n बराबर कितना है, तो आप यहाँ पे एक और बात बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, तो आप बोलेंगे सर ये l कोश में है। यदि हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो n बराबर
तीन में है तो आप बोलेंगे कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना वो किस में रहेगा, एम कोश में उपस्थित होगा, यानी कि के एल एम एन ओ से हम इसको यहाँ पे बता सकते हैं। अच्छा जी सर, चारों क्वांटम संख्याओं को हम पढ़ तो लेंगे, लेकिन क्या हम सिर्फ प्रमुख क्वांटम संख्या को जान करके, प्रमुख क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी हासिल करके क्या इतना बता सकते हैं क्या कि इस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? बिल्कुल बता सकते हैं। अब ध्यान से देखना, यदि हम इसके अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो कितना होगा, 2n2। कितना होगा? 2n2। यदि हम बात करें कि सर हम ले लेते हैं यहाँ पे कितना, n बराबर हमने लिया कितना, एक। अच्छा जी n बराबर एक लिया, इसका मतलब कौन सा कोश हो गया मेरे भाई, k कोश हो गया। अच्छा जी n बराबर एक यदि हम यहाँ पे पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि सर 2 × 1² तो ये कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अच्छा जी यदि हम n बराबर 2 लेते हैं, यदि हम n बराबर 2 लेते हैं तो आप देखेंगे 2 × 2² तो कितना हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया यहाँ पे, 8 मेरा आ गया। अच्छा जी n बराबर आप कितना ले, 3 ले तो आप देखेंगे यहाँ पे सर 2 × 3² तो कितना आना चाहिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो आप कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, 18 आ जाएगा। अच्छा जी यदि हम बात करें यहाँ पे n बराबर 4 के बारे में तो n बराबर 4 क्या देगा यहाँ पे, 2 × 4² तो आप बोलेंगे सर 4 × 16 = 32 तो ये आ जाएगा। अच्छा जी n बराबर यदि हम 5 के बारे में बात करना चाहें तो आप बोलेंगे सर 2 × 5² तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे यहाँ सर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 × 2 = 50। इसी प्रकार से यदि हम n बराबर 6 डालते हैं तो हमारा कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 72। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सर 2, 8, 18, 32, 50, 72 ये वही संख्याएं आई है जो अभी हमने यहाँ पे निकाली है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए जो सूत्र होगा वो क्या होगा मेरे भाई, 2n² इसका फॉर्मूला हो जाएगा, 2n² इसका सूत्र हो जाएगा। अच्छा सर यदि हम रेडियस निकालना चाहें कि सर कोश की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, तो आप वो भी निकाल सकते हैं, कोश की रेडियस से मतलब एक और बात बोल सकता हूँ कि सर नाभिक के केंद्र से इसकी कितनी दूरी होगी, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आर बराबर 0.529 × n² / z angstrom। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, आपको ध्यान आ रहा होगा जब हमने यहाँ पे बोर की परिकल्पना पढ़ी थी। ठीक है जी अब यदि हम बात करना चाहें कि सर एनर्जी के बारे में बात करें तो एनर्जी कितनी रहेगी, तो आपको सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना है, 13 − 13.6 × z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है जूल में भी आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं। अच्छा जी यदि हम बात करना चाहें कि सर यदि हम नाभिक की बात करें, अच्छा जी ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं और नाभिक की बात कर रहे हैं, यदि हम ऊर्जा की बात करना चाहें तो ऊर्जा में क्या होगा भाई, जो नाभिक के सबसे करीब होगा ना उसकी ऊर्जा क्या होगी, उतनी ही कम होगी, और जो नाभिक से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे ना वहाँ पे क्या होगा कि उनकी ऊर्जा बढ़ती रहेगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सर नाभिक के सबसे करीब कौन होगा, तो आपके दिमाग में आएगा सर नाभिक के सबसे करीब जो रहेगा ना वो कौन रहेगा मेरे भाई, वो क्या रहेगा यहाँ पे, n बराबर एक रहेगा, यानी कि n बराबर एक के लिए, n बराबर एक कोश के लिए ऊर्जा का मान सबसे कम होगा, यानी कि बात करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि k कोश के लिए ऊर्जा का मान सबसे कम होगा। बात बिल्कुल सही है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि k के लिए यहाँ पे ऊर्जा का मान बहुत ही कम है, यानी कि सबसे कम k के लिए, और जैसे जैसे हम यहाँ पे नाभिक से दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ऊर्जा का मान यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। कहती बात आपको आती है समझ में, पक्की बात है, तो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा जी प्रमुख क्वांटम संख्याओं की हम बात कर रहे थे, प्रमुख क्वांटम संख्या क्या बताती है, तो आप बोलेंगे सर कोश के बारे में जानकारी देती है। अच्छा जी हम इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बोलेंगे सर हम इनको अल्फ़ाबेट के यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के छोटे n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, n फॉर न्यू दिल्ली। ठीक है अच्छा जी यदि हम बात करना चाहें कि सर कोश में किसी भी कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 2n² एक फॉर्मूला बताया था उसके थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं, और ये क्या बताता है, परमाणु के आकार के बारे में जानकारी देगा, और उसके बाद में किस बारे में जानकारी देगा हमें, ये कि सर इसमें ऊर्जा क्या है। ठीक है जी यानी कि ऊर्जा के बारे में भी जानकारी दे रहा है, आकार के बारे में भी ये जानकारी देगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, प्रमुख क्वांटम संख्या के बारे में। अगली हम क्वांटम संख्या पढ़ेंगे वो कौन सी रहेगी, द्विगंशी क्वांटम संख्या, यानी कि अगली क्लास में हम द्विगंशी क्वांटम संख्या को जानने वाले हैं वो क्या होती है, तो तब तक जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, धन्यवाद।